साइंस का रिलेशन एथिक्स के साथ जो है हम दो तरीके से देख सकते हैं कि हाउ डज साइंस हेल्प्स इन एथिकल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा हम देख सकते हैं कि एथिक्स का क्या रोल है साइंस के अंदर, क्योंकि एथिक्स का भी रोल साइंस के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम देखो साइंस बेसिकली क्या है, एक तरह से इंपीरिकल स्टडी है किसी चीज का, और साइंस एमोरल है, इमोरल नहीं। क्या है साइंस? एमोरल है। एमोरल होने का क्या मतलब है? इसका कोई मोरालिटी ही नहीं है। साइंस में कोई जो है वायरस डिस्कवर किया, डिस्कवरी अपने आप में अच्छा है बुरा है उसका कोई सेंस नहीं है, डिस्कवरी अपने आप में डिस्कवरी है, राइट। अब उस वायरस का यूज तुम एड्स के ट्रीटमेंट में कर रहे हो कि उस वायरस का यूज लोगों को बीमार करने में कर रहे हो, वहां पे मोरालिटी आती है। जो बात बोलते हैं ना कि लाठी है तुम्हारे पास, तुम उसका यूज अंधे के छड़ी के तरह से कर रहे हो या तुम लोगों को पीटने के लिए कर रहे हो, उसके ऊपर छड़ी लाठी का यूटिलिटी पता चलता है। बिल्कुल, साइंस उस तरह से क्या है? एमोरल है। साइंस क्या डिस्कवर करता है? व्हाट इज मोरालिटी, किस चीज से डील करता है? व्हाट इट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो साइंस अपने आप में मोरालिटी साइंस में कोई है ही नहीं, साइंस एमोरल है। साइंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कुछ भी डिस्कवर कर सकता है। ठीक है, साइंस का पर्पस नॉलेज एक्वायर करना एज एन एंड है, समझ में आ रहा है? तो उस सेंस में साइंस है। अब हम पहले देखेंगे कि साइंस एथिक्स में क्या रोल प्ले करता है। तो हम अगर देखेंगे तो विद टाइम जो है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एथिक्स, हम लोग रिलीजन में बात कर रहे थे, उसका इंपॉर्टेंस घटता जा रहा है, रिलीजन का रोल श्रिंक होता जा रहा है, लोगों का फेथ रिलीजन के ऊपर से घटता जा रहा है, रादर दैट नॉलेज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अंडरस्टैंडिंग गिवन बाय साइंस। ठीक है, तो उस सेंस में जब हम एथिकल डिस्कशन होता है, एथिकल डिस्कशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन वेरियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन एस्पेक्ट। एक मॉरल डायलेमा है, उसका जितना इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट कर सकते हो उसके हिसाब से तुम उसको कलेक्ट करते हो और फिर तुम एक डिसीजन मेकिंग करते हो। तो साइंस तुम्हारा उस पार्ट में मदद कर सकता है अंडरस्टैंड करने में उस फेनोमेना को। फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम में अबॉर्शन डिबेट हो, यूथेनेशिया का डिबेट हो, इन सबको डिबेट को होमोसेक्सुअलिटी का इशू हो, पहले कुछ टाइम तक लोग सोच होमोसेक्सुअलिटी को एज ए डिजीज देखते थे, मेडिकल साइंस ने बोला कि नहीं, इट्स अ नेचुरल डिस्पोजिशन, इट्स नॉट ए डिजीज, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। पहले सोचते थे लोग क्या, इट कैन बी क्योर्ड, इट्स ए मेंटल डिजीज। तो साइंस ने क्या उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि नहीं, ये लोग सही में इनका डिस्पोजिशन है उस पर्टिकुलर मतलब सेम सेक्स के लोगों को पसंद करने में, एक नेचुरल डिस्पोजिशन है। इट हेल्प्स यू टू मेक अंडरस्टैंड कि तुम एथिकली क्या इसके बारे में सोचो। अदरवाइज जब तक तुम सोचते रहोगे डिजीज है तो यू विल ऑलवेज प्रोवाइड अ प्रेस्क्रिप्शन विच विल ट्राई टू क्योर दैट डिजीज। बट आज के दिन में तुम क्या कहोगे, इवन गे सेक्स मैरिज को तुम वैलिड बोलोगे बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि दैट्स अ वैलिड फीलिंग, देयर इज नो डिस्टॉर्शन, देयर कुछ उसमें गड़बड़ नहीं है, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज दैट मीन्स बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन होने के कारण एक नेचुरल डिस्पोजिशन है जो सेम सेक्स के प्रति है, जो यूजुअली हेटरोसेक्सुअल्स के प्रति होता है, समझ में। तो इस तरह वेरियस एथिकल डिबेट्स में साइंस क्या करता है, तुम्हारी मदद करता है समझने में कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि साइंस के डेवलपमेंट के साथ बहुत सारे नए मोरल इश्यूज आ गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इशू ऑफ प्राइवेसी, ऑनलाइन टाइम है, प्राइवेसी का क्या कंसर्न है, ये सारे इश्यूज। स्टेम सेल रिसर्च, तुमने पढ़ा होगा या स्टोरी सुना होगा कि चाइना का एक बंदा जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कैस्पर टेक्नोलॉजी से डीएनए एडिटिंग करके उसने एचआईवी एड्स एक कपल को था उसके बच्चे को उसने बोला कि हम जो है क्योर कर देंगे एचआईवी एड्स से। तो उसने एक बच्चे का आईवीएफ के थ्रू बच्चा कपल मतलब बच्चा बॉर्न हुआ और दैट वाज कैंसर फ्री। ये न्यूज अपने आप में अगर तुम देखो
तो साइंटिफिक डिस्कवरी के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जीन एडिटिंग किया, जो बीमारी पॉसिबल था उसके बच्चे में ट्रांसफर होता उसको आइसोलेट किया और एक बच्चा पैदा हुआ अपने। लेकिन जब ये साइंटिफिक कम्युनिटी में ये न्यूज ब्रेक हुआ तो इसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया और अक्रॉस स्पेक्ट्रम क्रिटिसाइज किया गया। ऐसा नहीं कि रिलीजियस लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि तुम जो है लाइफ फॉर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, या किसी ने ये क्रिटिसाइज किया हो कि तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो, बट ये क्रिटिसाइज अक्रॉस स्पेक्ट्रम सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी किया। जिसमें इशू क्या है, इशू ये है कि कहीं ना कहीं एक डिबेट चल रहा है कि हाउ मच यू कैन इंजीनियर अ पर्सन। आज के दिन में भी हम लोग सबको इंजीनियर्ड है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरली मुझे दिखाई नहीं देता है दूर का, लेकिन ये चश्मा मैं लगाता हूं तो एक तरह से ये इन्हांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कई लोगों को सुनाई नहीं देता है, तुम नेचुरली जैसे रहते हो, दवाई खाते हो अपने आप को क्योर करने के लिए, ऑपरेशन करते हो, तो वो सब भी तो इन्हांसमेंट है। बट वो इन्हांसमेंट के लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, बट ये इन्हांसमेंट डीएनए के थ्रू इन्हांसमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑपरेशन के थ्रू इन्हांसमेंट एक्सेप्टेबल है, बट डीएनए के थ्रू इन्हांसमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज नहीं एक्सेप्टेबल है, ये अपने आप में एक एथिकल डिबेट है। आज के दिन में स्पोर्ट्स के एरिया में तुम देख लो, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए बहुत सारे लोग, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा ये जो साइक्लिस्ट था, क्या नाम था, लांस आर्मस्ट्रांग। लांस आर्मस्ट्रांग क्या करता था, ब्लड का हीमोग्लोबिन का इन्फ्यूजन करता था, वो अपना ही ब्लड निकालता था उससे हीमोग्लोबिन अलग करके, और फिर ओवर टाइम जब उसका बॉडी रिकवर कर जाता था तो वापस उस हीमोग्लोबिन को इंजेक्ट कर देता था। तो उससे क्या होता था कि उसका हीमोग्लोबिन का रेशियो ज्यादा रहता था, तो ऑक्सीजन बर्न करने का कैपेसिटी उसका एफिशिएंट हो जाता था और साइक्लिंग में उसको एडवांटेज मिलता था। इसको ब्लड डोपिंग भी कहते हैं। द पॉइंट इज इट वॉज कंसिडर्ड अनएथिकल, राइट। बट तुम अगर आज के टाइम में देख लो, जितने स्पोर्ट्स वियर है सब तुम्हारे क्वालिटीज को एनहांस करते हैं कहीं ना कहीं से। स्विमिंग करने वालों का कपड़ा देखोगे एरोडायनेमिक होता है, पानी का फ्रिक्शन कम करेगा, ये करेगा, वो एक्सेप्टेबल है, बट थ्रू हीमोग्लोबिन अपना परफॉर्मेंस इनहांस करना एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, क्योंकि उसको उसके सारे टाइटल से क्या किया गया था, उसको हटा दिया गया था, उसका सारा टाइटल ऑनर उससे वापस ले लिया गया था। समझ में आ रहा है? तो साइंस के थ्रू इन्हांसमेंट हो रहा है बहुत सारे चीजों का, और कहीं ना कहीं ये भी डिबेट, उससे नए नए डिबेट्स क्रिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्राइवेसी का डिबेट है, लाइफ बहुत ज्यादा तुम्हारा इजी हो गया गूगल मैप से, बट अगेन यू कैन बी ट्रेस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे नए डिबेट्स जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, प्राइवेसी है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, जीन एडिटिंग है, ये सारा नया नया एथिकल डिबेट बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस आया है, ठीक है। तो एक पोर्शन ये हो गया। एक और इसका पोर्शन है, वो है कि जब तुम साइंटिफिक रिसर्च करते हो, हम लोग बात कर रहे हैं एथिक्स इन साइंस की बात कर रहे हैं, तो जब तुम साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो उसमें ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुमने एक सुना होगा केस कि एक जापानी साइंटिस्ट था जिसने कि क्लेम किया था कि उसने एडल्ट स्टेम सेल जो है वो रेप्लिकेट कर लिया था, बाद में पाया गया उसने रिजल्ट फैब्रिकेट किया था, बाद में उस बंदे ने सुसाइड भी कमिट कर लिया। या फिर कोको कोला ने एक रिसर्च, कुछ रिसर्चर्स को फंड किया था और इसलिए फंड किया था ताकि वो लोग एडवर्टाइज कर सकें कि मोटापा का कारण खाना पीना नहीं है बल्कि लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली व्हाट दे वर सेइंग कि तुम शुगरी ड्रिंक्स जो कोको कोला बनाता है वो ले सकते हो, दैट डज नॉट अफेक्ट, सिंपली यू हैव टू एक्सरसाइज। तो जो हार्मफुल एस्पेक्ट है एक शुगरी ड्रिंक का, उसको अंडरमाइन वो लोग कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है, इस तरह प्राइवेट फर्म्स जो है रिसर्च में पैसा लगा के एक तरह से उसका रिजल्ट मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। समझ में? इसी तरह से डाटा फैब्रिकेशन हो गया, रिजल्ट मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है, और कुछ फ्रॉड डाटा कलेक्शन, ये सारा कई सारा
एथिकल इश्यू इंगेज होता है एक रिसर्च में, तो रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च शुड बी ऑनेस्ट, रिसर्च शुड मेंटेन इंटीग्रिटी, ठीक है, रिसर्चर शुड मेंटेन इंटीग्रिटी। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया रिसर्च का। दूसरा एक रिसर्च का एस्पेक्ट हो गया कि हाँ हम जानते हैं कि साइंस इमोरल है और उसका पर्पस क्या है, नॉलेज इकट्ठा करना, बट एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो वन हैज टू सी कि वेदर वट एवर ही इज क्रिएटिंग, वेदर इट वट इज द पोटेंशियल ऑफ इट, वेदर इट विल बी यूज फॉर अ गुड पर्पस और वेदर इट विल बी यूज फॉर अ बैड पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, तुम जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग वेरी मतलब डेराइविंग वेरी डेडली वायरस, तुम डेडली वायरस डेराइव करते रहो, समझ में आ रहा है, हो सकता है वो इन्वायरमेंट में जाएगा फिर लोग बीमार पड़ेंगे। नॉलेज का भी एक पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने केस अभी पढ़ा जीन एडिटिंग का, उसका विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनएक्सेप्टेबल लेवल पे था, वो मॉडिफिकेशन सोसाइटी के हिसाब से अनएक्सेप्टेबल था। तो रिसर्च को कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो सोसाइटी के मॉरेलिटी के हिसाब से है या उसके अगेंस्ट जा रहा है, समझ में। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं एक साइंटिफिक रिसर्च में। और अंत में यही बोलेंगे कि आइंस्टीन ने बहुत बढ़िया कहा था, आइंस्टीन का कहना था कि एनी एफर्ट टू फाइंड आउट बेसिस ऑफ मोरालिटी इन साइंस इज गोइंग टू फेल, इज बाउंड टू फेल, क्योंकि उसके हिसाब से साइंस एमोरल है। मतलब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है तुम साइंस में नहीं खोजोगे, साइंस नहीं बताएगा इसके बारे में, बट सर्टेनली साइंस कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, समझ में आ रहा है। तो उस सेंस में साइंस और एथिक्स का रिलेशनशिप।